सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, दोबारा उपस्थित हूँ आपके सामने। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी, और आज जीवाणुओं से संबंधित जो रोग थे वो समाप्त हो जाएंगे और अग्रिम बीमारियों की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी बीमारियां इतनी हैं कि अगर आपको हो जाएं तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन बीमारियां समाप्त नहीं होंगी। इसलिए बीमारियों के साथ जुड़े रहिए, बीमारी ठीक करते रहिए, अगली बीमारी का इंतजार करते रहिए। नमस्कार फिर से आपको, सुधीर कुमार त्रिपाठी। अब अगला मैं वीडियो आपको शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस बीमारी का नाम है फूड पॉइजनिंग और इस बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स। दोनों में बहुत अंतर है। फूड पॉइजनिंग पहले समझाते हैं। अक्सर हम स्ट्रीट पर लगे हुए भोजन को कर लेते हैं। स्ट्रीट समझते हैं, गलियां। तो गलियां जो होती हैं उनमें जो ठेले पर लगा करके लोग भोजन रखते हैं, हम मोमोज खा लेते हैं, हम मान लीजिए बहुत सारे गोलगप्पे खा लेते हैं। तो याद रखिएगा, ठंडे भोजन से बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करता है और वह सामान्य भोजन जो वो कर रहा है उसी से आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग को ला देता है। तो फूड पॉइजनिंग के कारक का नाम है बैक्टीरिया, और इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम। ये परीक्षा में पूछा गया है। फूड पॉइजनिंग क्या है, ये किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। मैं एक बार अपने गांव गया हुआ था शादी ब्याह में। मेरी माताजी ने मुझे 501 रुपया दिया था और कहा था जितना देना उतना खा के आना। तो मैंने क्या किया, 501 रुपये के चक्कर में मैंने 2000 रुपये का खाना खा लिया। जितना भोजन था, जितने भी टाइप्स थे, मैंने खा लिया। जहाँ पर दो चार पूड़ियाँ खानी थी वहाँ मैंने 10-11-12 पूड़ियाँ खा ली। रसगुल्ला रखा था मैंने, उसमें 10-12 रसगुल्ले भी खा लिए। दही खा लिया, सब्जी खा ली, फ्रूट चाट खा लिया, चाउमीन खा लिया, चिल्ला खा लिया, दुनिया भर की चीज़ें थी मैंने सब खा लिया। रात भर में उलटता पलटता रहा, क्योंकि पेट में इतना था कि एक तरफ झुको तो दूसरी तरफ वजन ज़्यादा हो जाता था। सुबह उठा तो मेरा गुड मॉर्निंग ख़राब हो गया। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग में सिर्फ दो ही चीज़ें होती, या तो होता है या तो नहीं होता है। हुआ तो बहुत अच्छा है, वरना दिन भर मन लगा रहता है। हमारा नहीं हुआ था उस दिन। हमने सोचा इतना खाने के बाद भी नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है। फिर भी कोई बात नहीं, उसी में मन लगा हुआ था। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई दोपहर में 2 बजे के आसपास, और मैं गाँव से शहर की ओर बढ़ा। अब रास्ते में क्या हुआ, गर्मी का दिन था, हमारे गांव के आसपास में लस्सी बनती है। उस लस्सी को हमने देखा तो पेट में बड़ी जलन सी हो रही थी, तो मैंने सोचा जरा सा लस्सी पी करके पेट को ठंडक ला दिया जाए। तो अब उसको हमने लस्सी तो पी ली, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा एक और बनाओ, एक और बनाया, उसको पी लिया। और फिर वहीं पे बेंच लगी थी, मैं वहीं पे थोड़ा आराम कर लिया। 2:30 बजा हमने अपनी बुलेट उठाई, हमने सोचा चला जाए। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े, लगभग 5 किलोमीटर मेरा घर बचा हुआ था, और हमारे पेट से आवाज़ें आना शुरू हो गई, गड़गड़ भड़बड़। हमने तुरंत बोतल ढूंढना शुरू कर दिया, और आप विश्वास मानेंगे, उन 5 किलोमीटर के भीतर मैंने 17 बार बोतल ढूंढा होगा। और जैसे ही मैं आया हूं अपने घर, तुरंत गेट के सामने मैंने बुलेट ऐसे छोड़ दिया, पूरा पेट्रोल बह गया, और मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता हुआ चला गया। मेरी माता जी समझ गई, तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और हॉस्पिटलाइज किया। और फिर लगभग 12-13 दिनों तक मुझे 15-16 बोतल ग्लूकोज चला, तब जा कर के मैं कुछ राहत महसूस कर सका। उसी समय एक डॉक्टर आता और पूछता है कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा हे ईश्वर, आपको भी ये रोग हो और मैं पूछूं कैसा महसूस कर रहे हो आप। तो याद रखिए, ये खतरनाक रोग है, मैं भोग चुका हूं, ईश्वर न करे आप भोगें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रुकता। उल्टी, दस्त, उल्टी, एकदम कॉलरा टाइप का रोग है। इसीलिए अच्छा खाइए, अच्छा पचाइए और स्वस्थ रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि इस बीमारी में बोतल ढूंढना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बॉटुलिनियम। समझ में आई बात, बोतल के साथ बॉटुलिनियम। फूड पॉइजनिंग में मुख्यतः क्या खराब होता है, तो उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत प्रभावित हो जाती है। अब आइए एंथ्रेक्स में चलते हैं। फूड पॉइजनिंग का कारक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा अंग प्रभावित होता है आपके सामने है। यह है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का मतलब क्या हुआ, एंथ्रेक्स एक रोग है। पहली बात, सबसे पहले यह भेड़ों में पाया गया। अभी आपके
आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो जंतुओं और मनुष्यों दोनों में होती है, तो उस बीमारी का नाम था एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किस जीवाणु से होता है, तो उस जीवाणु का नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है एंथ्रेक्स। यह इसमें मुख्यतः आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उस अंग का नाम है क्या, फेफड़ा। जो लोग कपास उद्योग में, जो लोग ऊन उद्योग में यानी जो कॉटन एंड वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें यह रोग होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऊन भेड़ से प्राप्त होता है और वह भेड़ से मनुष्य के नाक के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। तो कपास और ऊन उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में यह रोग बड़ा ही सामान्य तरीके से हो जाता है। और जानते हैं, एक बार अमेरिका ने वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वियतनाम में अपने सैनिक भेजे थे, तो वहां पर जब सैनिक गए तो सैनिकों ने देखा कि बड़ी बड़ी घास है, तो उस घास को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तो पीछे से छुप करके वार हो जाता था। तो कई वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि इस बैक्टीरिया का छिड़काव किया जाए तो घास समाप्त हो जाएगी। घास तो समाप्त हुई हुई, मनुष्य भी समाप्त हो गए, तो इसीलिए क्या हुआ, बाद में चल करके इसको हम जैविक हथियारों के रूप में मानने लगे, यानी एंथ्रेक्स का उपयोग बायोलॉजिकल वेपन के रूप में किया जाता है, जैविक हथियारों के रूप में किया जाता है। मतलब अगर आपको मरना है तो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गोली मार दी जाए मत्थे पर, खत्म। दूसरा ऑप्शन है मैं आपको बैक्टीरिया सुंघा देता हूं, दो चार दिन दस दिन में मर जाओगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आदमी गोली से ही मरना पसंद करेगा, बैक्टीरिया से मरना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि इसमें आदमी तड़प कर मरेगा और उसमें सीधा काम हो जाएगा। तो इसीलिए आपने कभी सोचा है कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या और भी कई ऐसे कॉमन रोग होते हैं जो भारत और विकासशील देशों में या गरीब देशों में ही क्यों होते हैं, क्यों? ये सब विकसित देशों की चाल होती है, मालूम है। विकसित देश क्या करते हैं, इस प्रकार का कोई वायरस और बैक्टीरिया हमारे देश में लाके छोड़ दिए जाते हैं किसी इलाके में, ताकि उस इलाके में एंटीबायोटिक्स दवाओं का डिमांड बढ़ जाए। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो हम सप्लाई मांगेंगे और उनकी कमाई होगी और हमारी कमाई चली जाएगी। तो ये सब विकसित देशों की एक चाल होती है दवाओं को लेकर के। तो हम लोग अगर अपनी गंदगी आसपास की साफ कर लें तो स्वाभाविक सी बात है इसमें विकसित देश भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए स्वच्छ भारत के साथ जुड़िए और स्वच्छ भारत अभियान में भारत में सफाई और स्वच्छता में योगदान दीजिए, ताकि आपके आसपास न जीवाणु आ सकें न बैक्टीरिया आ सकें। स्वस्थ रहिए, और इससे संबंधित जो वीडियो अगला होगा वो फंगस का होगा, वो कवक का होगा। कवक भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कवक भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए, साथ में जुड़े रहिए, सकारात्मक तथ्यों के साथ रहिए और अपने भविष्य के साथ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब एकेडमी से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।